बिल्कुल क्या हुआ ये? आपकी चोट कैसे लगी? नीलू क्या हो गया? पापा जी क्या हुआ आपको? पापा जी को तो पापा जी चुप कर रमन। अरे इस बेचारे ने तो मेरी हेल्प की है, वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था, एक स्कूटर वाला टक्कर मार के भाग गया। इस बेचारे को तो पता ही नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है, और जब ये करीब आया तब इसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। रमन ये अच्छा लड़का है, खामखा इसके ऊपर शक करता है, और तुझे तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए कि तेरे बाप की इसने हेल्प की है। थैंक यू सर। सुहेल थैंक्स अ लॉट रियली। अरे नहीं नहीं आप थैंक्स मत कहिए, ये सही सलामत घर आ गए यही काफी है। आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुला लीजिए क्योंकि चेकअप हो जाए, कोई इंटरनल इंजरी ना हुई। डॉक्टर खूब छोटो ये दादू दादू क्या हो गया आपको? थोड़ी सी चोट लगी है। मैं चलता हूँ। सुहेल रुको मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है तो आई हैव टू लीव। हेलो डॉक्टर मेरा पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज जल्दी घर आइए। क्या बोला? भल्ला फैमिली के सारे लड़के ना एक जैसे हैं, प्लान कैंसिल करने में नंबर वन, और इसी की वजह से ना मीका चित्ती की आधी लंच डेज और डिनर्स कैंसिल हो जाती। पर मैंने कहा ऑर्डर प्लीज। अब आलिया मैं बस दो मिनट में वॉशरूम से होकर आया, फिर मैं आराम से तुम्हारी सारी बात सुनता हूँ, ठीक है? ये तब तक तुम ऑर्डर करो। ओके पर जल्दी आना। हाँ हाँ बस अब थोड़ी देर में आइए। थैंक यू। आज मीका चित्ती से ट्रीट तो लेके रहूंगी। देखा मैंने कहा था ना कि मेरा आदि ना भल्ला फैमिली के बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट। और आज हमारी लंच डेट ना ऑसम होने वाली है। भल्ला जी क्या हो गया? भल्ला जी मैंने रोहित ने फोन पे बताया, मेरे से जान ही निकल गई। तुम ठीक हो भल्ला जी? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मम्मी जी रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ स्प्रेन है। रूही एक काम करो, पानी लेकर आओ ना जल्दी से दवाई के लिए। इतना टाइम हो गया, इट्स बीन 20 मिनट्स। मैं जाके चेक करती हूँ। वो हो वाह, मुझे बोला कि वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या मैच देख रहे हैं? और दी शायद तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ पे मेरे साथ लंच डेट पे आए हो, मैं वहाँ पे टेबल पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पे स्टूपिड सा मैच देख रहे हो। तुम्हारे अंदर कर्टिसी नाम की कोई चीज है? तुम एक बार मुझे पूछ तो लेते कि आलिया मुझे मैच देखना है। मैच क्या शॉट मारा है यार, मजा आ गया। I'm sorry आलिया, वो आज इतना इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया का, तो इसलिए अगर मुझे पहले पता होता तो हम डेट पे नहीं आते। आते लेकिन कल आते हैं। मतलब ये मैच अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? अभी हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर चीज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारा ऑफिस और ये स्टूपिड सा मैच। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ बहाने ढूंढते रहते हो कि मैं सब टाइम नहीं स्पेंड कर सको। सीरियसली मैं कब से तुमसे एक चीज पूछ रही हूँ कि एम आई इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और नॉट? तुम हो कि स्टूपिड सा मैच देख रहे हो, मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो। यू नो व्हाट, मीका चित्ती ने ना बिल्कुल सही कहा था कि भल्ला फैमिली के ना सब लड़के एक जैसे होते हैं, यू आर वन ऑफ देम। एंड यू नो व्हाट, आज तुम्हारी वजह से ना आज मीका चित्ती से मैं अपना चैलेंज हार गई हूं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। ऑल्डो लिसन, बिना मतलब से बात का इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से चल के साइड में बात करते, ठीक है? श्रेयली आदि तुम्हारे लिए बात छोटी होगी,
मेरे लिए नहीं।